एक बात जो आयुर्वेद को लेके बोली जाती है, खास करके एलोपैथी वाले बोलेंगे कि ये तो इट इज टू स्लो, जब तक बीमारी वैसी अपने आप ठीक हो जाती है फिर आयुर्वेद वाले क्लेम करने लग जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं है। उनका जवाब तो तभी होगा कंपैरेटिव स्टडी, हर रोज कंपैरेटिव स्टडी है। फॉर एग्जांपल बुखार होता है तो आपके पास क्या मेथड है, पैरासिटामोल, और हमारे पास क्या मेथड है, आप यहाँ पे देखेंगे बाल्टी है जी, 42 डिग्री सेल्सियस बाल्टी पे अगर पानी पे अगर बैठ जाए तो दोनों पैर रखे आप बैठ जाए तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है। क्या आपका पैरासिटामोल आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, इस पर कंपैरेटिव स्टडी हो चुका है और कंपैरेटिव स्टडी का नतीजा ये निकला कि ये टेक्निक से ज्यादा तेजी से ठीक होता है और दोबारा फीवर आता भी नहीं है। पैरासिटामोल में उल्टा फीवर आता रहता है, दवाई लेते रहना पड़ता है, कई बार 15 दिन तक चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम बोले ब्लड शुगर है ना, आपका सबसे बड़ी जो ब्लड शुगर का सबसे बड़ा टूल क्या है, इंसुलिन है राइट। तो इंसुलिन से ज्यादा तेजी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है आपका ये सेकंड हार्ट, द काफ मसल्स राइट, काफ मसल्स। कैसे देखिए, उसी पे आज की किताब भी आधारित है जी। जो पैरों के एक्शन टेलर के होते हैं, टेलर का मशीन हमने यहाँ पे डाला है, वही पैरों का एक्शन बिना टेलरिंग मशीन के करने लगेंगे तो एक घंटे में अगर ब्लड शुगर ज्यादा है तो अबाउट 60 mg/dL ब्लड शुगर गिरेगा, विच इज मच मच फास्टर देन इंसुलिन जी, और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और कुछ दिन बाद ब्लड शुगर बढ़ेगा भी नहीं, नॉर्मली रहेगा। तो इस तरह से एक एक करके हम देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको जी, ब्लड प्रेशर की दवाई ले लें, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से जितनी देर ब्लड प्रेशर गिरता है, आप एक इंसान को लिटाइए उसी ब्लड प्रेशर वाले को, उसके काफ मसल को मालिश कीजिए करीब 20 मिनट्स राइट, 10 to 20 mmHg ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना किसी दवाई के उससे ज्यादा तेजी से बताने के ये टेक्निक्स हैं। सारे टेक्निक जानने तो ये किताब पढ़ लो आप जी, लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प, तो कंपैरेटिव स्टडीज में दिया हुआ है राइट, एलोपैथिक दवाइयाँ वर्सेस जो आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में जो किताबें जो लिखी गई थी राइट, वो कंपैरिजन एलोपैथिक में तो साइड इफेक्ट भी है जी और वो भयंकर है हाँ राइट, जो डायबिटीज के पेशेंट की तो ग्रेजुएट होकर किडनी डिजीज पेशेंट बनते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जड़ से वो बीमारी खत्म भी हो रही है, ऊपर से फ्री का इलाज, ऊपर से प्रूवन भी है, ये प्रूव एंशियंट में तो था ही, मॉडर्न ने भी जो कंपैरेटिव स्टडी किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, उसमें भी ये साबित हो गया।